नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और लाइव स्ट्रीम में। तो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच मैच चलता हुआ स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में, मैच नंबर 9 ये IPL 2024 का। दिल्ली कैपिटल्स पीछा करते हुए 186 रन का 185 रन बनाए राजस्थान रॉयल्स ने, और 186 रन का टारगेट दिल्ली कैपिटल्स के लिए। 185 रन में 84 रन की पारी खेली रियान पराग ने, जो कि नॉट आउट रहे और अपने IPL करियर का हाईएस्ट स्कोर बनाया रियान पराग ने, और अपनी टीम को 185 रन तक ले गए। बढ़िया पारी रियान पराग से, और 185 रन बनाए और 186 रन का पीछा करने उतरे दिल्ली कैपिटल्स मिचेल मार्श और डेविड वॉर्नर। मिचेल मार्श ने बढ़िया शुरुआत की, 12 बॉल में 23 रन बनाए, पहले 3 ओवर में 29 रन बना लिए दिल्ली कैपिटल्स ने। बढ़िया शुरुआत मिचेल मार्श से और डेविड वॉर्नर से, पर चौथा ओवर डाला नान्ड्रे बर्गर ने। नान्ड्रे बर्गर ने मिचेल मार्श को बोल्ड कर दिया और भुई को भी चलता किया। चौथे ओवर में 2 सफलताएं नान्ड्रे बर्गर को मिली और वापसी करवाई राजस्थान रॉयल्स की पावर प्ले में नान्ड्रे बर्गर ने, बहुत बढ़िया बॉलिंग। उसके बाद डेविड वॉर्नर ने टेक ऑन किया और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। डेविड वॉर्नर दिल्ली कैपिटल्स के लिए बढ़िया पारी खेलते हुए, और एक सीनियर प्लेयर होने के कारण बहुत बढ़िया पारी और काफ़ी दारदार डेविड वॉर्नर पर। बढ़िया पारी खेल रहे हैं डेविड वॉर्नर और अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाते हुए काफ़ी बढ़िया स्टार्ट दे दिया है डेविड वॉर्नर ने। नान्ड्रे बर्गर के उस ओवर के चलते मिचेल मार्श और भुई आउट हो गए थे, 2 विकेट गिर चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स के। पर ऋषभ पंत और डेविड वॉर्नर के बीच बढ़िया साझेदारी होती हुई, और काफ़ी बढ़िया रोमांचक मैच चल रहा है स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में। यह मैच बहुत ही रोमांचक हो चुका है, जो कि डेविड वॉर्नर बढ़िया बैटिंग करते हुए ऋषभ पंत उनका साथ दे रहे हैं, और राजस्थान रॉयल बढ़िया बॉलिंग भी करते हुए रविचंद्र अश्विन ने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और लगाम लगाई रन्स पर। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया डेविड वॉर्नर ने, 6 ओवर में 59 रन बना लिए दिल्ली कैपिटल्स ने। बढ़िया बैटिंग कर कर दिखाई डेविड वॉर्नर ने, डेविड वॉर्नर बढ़िया बैटिंग करते हुए और ऋषभ पंत उनका साथ दे रहे हैं। देखना होगा डेविड वॉर्नर अपनी टीम को जीत दिलवा पाते हैं या नहीं। काफ़ी बढ़िया मैच रोमांचक स्थिति में, और एक और थ्रिलर की तरफ बढ़ते हुए IPL में। हम ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे चलते हुए, देखना होगा कौन ये मैच जीतेगा। राजस्थान रॉयल अपने होम पर डोमिनेंस कायम रखेगा, या फिर दिल्ली कैपिटल्स पहला अवे मैच जीतेगी IPL 2024 का, देखना होगा। डेविड वॉर्नर डेविड वॉर्नर जो कि बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, ऋषभ पंत के साथ क्रीज पर खड़े हुए हैं और बढ़िया बैटिंग चलती हुई। हाय हाय, जल्दी आ जाइए। डेविड वॉर्नर काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हुए, और दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीद है डेविड वॉर्नर पर काफ़ी ज़्यादा इस मैच को जिताने के लिए। मिचेल मार्श आउट होकर जा चुके हैं, डेविड वॉर्नर से काफ़ी उम्मीद है, और ऋषभ पंत उनके साथ खड़े हुए हैं, बैटिंग कर रहे हैं, और ये मैच काफ़ी इवनली पोइज्ड किसी भी तरफ जा सकता है। मैच दोनों ही टीम प्रबल दावेदार इस मैच की। रियान पराग की बदौलत 185 रन बनाए राजस्थान रॉयल ने, जो कि शानदार पारी रियान पराग ने खेली, और डेविड वॉर्नर ऐसे ही कुछ पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए तेज तरार शुरुआत डेविड वॉर्नर ने दी है अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स को, और मैच में बनाए रखा है, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया, और अब काफ़ी बढ़िया तरीके से मैच चलता हुआ 8 ओवर का खेल हो चुका है। और देखना होगा दिल्ली कैपिटल्स जीतती है ये मैच, रन चेस मुकम्मल कर पाती है या नहीं, या फिर ये डिफेंड करेंगे राजस्थान रॉयल्स के बॉलर। देखना होगा कि कौन ये टीम ये मैच जीतेगी। बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ, और एक और IPL मैच थ्रिलर की तरफ जा रहा है, जैसा कि देखा जा सकता है 2024 IPL में अब तक लगभग सभी मैचेस थ्रिलर हुए हैं, एक दो मैचेस को छोड़कर सभी मैच आखिरी ओवर तक गए हैं, और ये मैच भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आखिरी ओवर तक जाएगा, और काफ़ी रोमांचक मैच। ऋषभ पंत और डेविड वॉर्नर से काफ़ी उम्मीदें होंगी दिल्ली कैपिटल्स को। इसके बाद शे होप को आना है, और इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं जो कि अभिषेक पोरल, जो कि पहले मैच में शानदार पारी खेल कर गए थे, उन्हें भी इंक्लूड किया गया है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, तो देखना होगा। अक्षर पटेल भी मौजूद है डगआउट में, दिल्ली कैपिटल्स के पास बैटिंग तो है, ये मैच जीत सकें या नहीं। पहले डेविड वॉर्नर और ऋषभ पंत पर सारा दारोमदार। रविचंद्रन अश्विन ने पहला ओवर काफ़ी बढ़िया डाला था, एक ओवर में सिर्फ 4 रन दिए, और दिल्ली की चलती हुई गाड़ी पर थोड़ी रोक लगाई थी। 6 ओवर में 59 जड़ दिए थे डेविड वॉर्नर ने, बढ़िया बैटिंग की, काफ़ी बढ़िया। नान्ड्रे बर्गर ने
एक और बहुत ही बढ़िया डाला जिसमें दो सफलताएं अर्जित की, मिचेल मार्श और भुई को आउट किया नान्द्रे बर्गर ने। तो लाइव स्कोर की तरफ चलते हैं, देखना होगा डेविड वार्नर और ऋषभ पंत इस मैच को कितना आगे तक ले जा सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और क्या जीत दिलवा पाएंगे दिल्ली कैपिटल्स को, पहली जीत या फिर राजस्थान रॉयल लगातार दूसरी जीत आईपीएल 2024 की हासिल करेगी। लाइव स्कोर की तरफ एक नज़र ज़रूर बनाएंगे ताकि मैच की अपडेट मिलती रहे। एक बार काफ़ी बढ़िया तरीके से यह मैच इवनली पॉइज्ड है, किसी भी तरफ जा सकता है यह मैच। 50-50 चांसेस शो होते हुए यहाँ दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के, रियान पराग की बदौलत राजस्थान रॉयल ने बहुत बढ़िया स्कोर बनाया। 84 रन की पारी रियान पराग ने खेली और 185 रन का टोटल जड़ दिया राजस्थान रॉयल ने। 186 रन का पीछा कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स, जो कि बड़ा लक्ष्य है इस पिच पर। यह पिच काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ स्पिनर्स को मदद मिलती हुई, पहले पेसर्स को भी काफ़ी मदद थी इस पिच में। तो अब देखना होगा, पावर प्ले दिल्ली कैपिटल्स के लिए बढ़िया गया, पर राजस्थान रॉयल ने भी 2 विकेट हासिल किए नान्द्रे बर्गर के उस ओवर के चलते। तो लाइव स्कोर की तरफ चलते हैं, दस ओवर का खेल हो चुका है और 89 रन, 89 रन बन चुके हैं 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। डेविड वार्नर और ऋषभ पंत अभी भी क्रीज पर, डेविड वार्नर बढ़िया बैटिंग करते हुए 43 पर खेलते हुए, और ऋषभ पंत भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। 10 ओवर में 89 रन बन चुके हैं और 60 बॉल में अब 97 रन की ज़रूरत है दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए। देखना होगा 10 ओवर में 97 रन, 60 बॉल में 97 रन, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, पर राजस्थान रॉयल के पास बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है डिफेंड करने के लिए। ये मैच बिल्कुल 50-50 किसी भी साइड जा सकता है, दिल्ली कैपिटल्स भी जीत सकते हैं चेस कर कर, और डिफेंड भी हो सकता है। तो आखिरी के 10 ओवर काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं और ये मैच एक थ्रिलर की तरह बिल्कुल स्टेज सेट है। 10 ओवर में 89 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और 10 ओवर में 97 रन बाकी अभी, 60 बॉल में 97 रन बनाने होंगे दिल्ली कैपिटल्स को अगर जीत चाहिए तो। और वहीं राजस्थान रॉयल को 97 रन बनाने से रोकना होगा दिल्ली कैपिटल्स को 10 ओवर में, अगर ये दूसरी जीत चाहिए आईपीएल 2024 की। तो देखना होगा दिल्ली कैपिटल्स जीतती है ये मैच या फिर राजस्थान रॉयल कंटिन्यू रखती है होम डोमिनेंस, दूसरा मैच लगातार जीतेगी राजस्थान रॉयल या फिर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ जाएगा ये मैच। डेविड वार्नर पर काफ़ी दारोमदार और बढ़िया पारी खेलते हुए, डेविड वार्नर सीनियर प्लेयर हैं और सीनियर पारी खेलते हुए 43 पर बैटिंग कर रहे हैं डेविड वार्नर, और कप्तान ऋषभ पंत भी उनका बखूबी साथ देते हुए। ऋषभ पंत और डेविड वार्नर के बीच बढ़िया साझेदारी होती हुई, और ये काफ़ी बढ़िया 50 रन 50+ पार्टनरशिप हो चुकी है डेविड वार्नर और ऋषभ पंत के बीच। डेविड वार्नर बढ़िया स्ट्राइक रेट से भी खेलते हुए, जो कि काफ़ी कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं काफ़ी सालों से, पर आज बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और बढ़िया स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, और ऋषभ पंत भी उनका साथ दे रहे हैं। तो देखना होगा 60 बॉल में 97 रन की ज़रूरत दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दिल्ली कैपिटल्स जीत रहा है ये मैच या फिर राजस्थान रॉयल्स, आप किसके सपोर्टर हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स को या फिर राजस्थान रॉयल्स को, राजस्थान रॉयल्स जीत पाएगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच ले जाएगी और बढ़िया चेज कर कर रियान पराग की पारी क्या मैच विनिंग पारी साबित होगी राजस्थान रॉयल्स के लिए या फिर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत ले जाएगी। तो देखना होगा, आखिर के 10 ओवर काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं, 60 बॉल में 97 रन की ज़रूरत है दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए। 60 बॉल 97 रन, जो कि राजस्थान रॉयल्स के पास बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है, तो देखना होगा वो डिफेंड कर पाएंगे या नहीं 60 बॉल में 97। राजस्थान रॉयल्स को अगर मैच जीतना है तो 1 विकेट की यहाँ सख्त ज़रूरत, और ख़ासकर डेविड वार्नर को आउट करना होगा जो कि बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, जो कि चौके छक्कों में चौके चौके काफ़ी चौके लगा रहे हैं और 50 की तरफ बढ़ते हुए डेविड वार्नर। 1 विकेट की ज़रूरत राजस्थान रॉयल को अगर ये पार्टनरशिप जरूर ब्रेक करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। वहीं डेविड वार्नर और ऋषभ पंत को ये पार्टनरशिप कंटिन्यू रखनी होगी अगर दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जीतना है तो। देखना होगा 10 ओवर में 97 रन बन पाते हैं या नहीं, 97 रन बनाकर दिल्ली जीतती है या फिर इसे डिफेंड कर कर राजस्थान रॉयल जीतती है। तो आने वाले 10 ओवर काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं और एक और फाइनल ओवर फिनिश की तरफ बढ़ता हुआ ये मैच, तो पता लगेगा थोड़े टाइम के बाद कि ये मैच कौन जीत रहा है, दिल्ली कैपिटल्स चेज कर जाती है या फिर 186 रन डिफेंड कर जाएगी राजस्थान रॉयल। रियान पराग की पारी क्या
क्या मैच डिफाइनिंग पारी, मैच विनिंग नॉक साबित होगी या नहीं, थोड़ी ही देर में पता चलेगा कौन जीत रहा है ये मैच। तो बने रहिए इस मैच में, सवाई मान सिंह स्टेडियम लाइव जयपुर से ये मैच चलता हुआ, मैच नंबर 9 IPL 2024, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। 185 रन बनाए राजस्थान रॉयल्स ने और 186 रन का पीछा कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वॉर्नर और ऋषभ पंत की जोड़ी क्रीज पर है और बढ़िया बैटिंग करते हुए दोनों, डेविड वॉर्नर खासकर काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हुए और ऋषभ पंत भी उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। तो देखना होगा कौन जीतेगा ये मैच, दिल्ली कैपिटल्स या फिर राजस्थान रॉयल्स। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, कौन जीतेगा ये मैच।